So when we live in a society, we do have fixed laws, we do have different social institutions. Welcome to the series of lectures on the topic social cultural anthropology. Today we are going to talk about culture. What is culture? जब सुबह सुबह उठ के आप नहाते हैं टू गो फॉर योर ऑफिस टू योर स्कूल, इसका मतलब है कि आप सिर्फ नहा रहे हैं। लेकिन जब आप गंगा में स्नान करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स कि आप सिर्फ नहा नहीं रहे हैं, आप एक रिचुअल्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहीं से हम समझते हैं व्हाट इज कल्चर। कल्चर इज डेफिनेटली योर बिलीव्स, लॉज, रेगुलेशंस, आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग कल्चर। बट व्हेन यू आर डूइंग सम मंडेन एक्टिविटीज, वो कल्चर नहीं है। बट वही मंडेन एक्टिविटीज आप किसी थॉट प्रोसेस के साथ करते हैं, बिलीव्स के साथ करते हैं, ट्रेडिशंस के साथ करते हैं, वो कल्चर बन जाता है। दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड कल्चर इन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट वेज। सो व्हाट वी हैव टू डू, द एक्सप्लेनेशन व्हिच आई हैव गिवन राइट नाउ अबाउट बेथिंग, इट इज गिविंग अस highly important anthropological concept, that is sacred and profane. अभी मैंने आपको एक example बताया, वहां पे आपको समझना है कि ये जो culture है what it is. So common एक example हमको समझने को मिलता है, this is a very common example that it's a way of life. Okay, to begin with हम कह सकते हैं it's culture. बट अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया बेदिंग का, नाउ बेदिंग एट योर होम फॉर गोइंग ऑफिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? प्रोफेन, प्रोफेन एक्टिविटीज। बट बेदिंग इन गंगा इट इज रिप्रेजेंटिंग rituals and this is sacred. अब ये जो explanation है it is given to us by very important anthropologist, French anthropologist Émile Durkheim. So हमको करना क्या चाहिए, whensoever we are reading all this concept, इसको हमको पहले lucid manner में समझना है कि culture होता क्या है। Culture का मतलब है your ways of doing activities in your daily life. So आप क्या पहन रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी activities क्या है, वो culture जब बनती है, जब उसमें कुछ fixation होता है, कुछ, उसमें कुछ laws होते हैं, उसमें आपकी कुछ मान्यता होती है। And that you also make a system that your values, traditions, norms, it should transmit to your next generations. जब हम ऐसा करते हैं, हम establish करते हैं culture को। So this is what we know as culture. Now culture has two parts. कल्चर हैज टू पार्ट्स जो आपको समझना है। कल्चर जो है मटीरियल कल्चर होता है जिसको आप देख सकते हैं, सो द वे यू ड्रेस, सो द वे यू ईट, राइट, ऑल दोज मटीरियल थिंग्स विच यू कैन सी, दैट इज मटीरियल कल्चर। और आपका दूसरा कल्चर होता है नॉन मटीरियल कल्चर, जैसे कि रिचुअल्स, जैसे बिलीव्स, वैल्यूज। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या समझा है? आज की क्लास में हमने एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग की है कि कल्चर होता क्या है। सो कल्चर इज बेसिकली नॉर्म्स, वैल्यूज,
traditions, your belief system, your thought process, how you are going to live in this life, and also you have made a system जो जिस वजह से जो आपकी values है, जो आपकी norms है, वो next generation के ऊपर pass on हो. और यहीं से हम start करते हैं society में fixation create करने को. So what is culture? Culture is being created by humans only as a member of society. So when we live in a society, we do have fixed laws, we do have different social institutions, we do have a very strong belief systems to do certain activities that creates culture. So aaj ki class mein humne sirf aur sirf ek basic understanding samjhi hai ki culture kya hai. Next class mein hum culture ke upar samjhenge ki kis tarike se isko unique content ke sath anthropology mein samajhna hai, so that we can get highest marks in anthropology optional for UPSC exams. Thank you.